हे टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया हैं। बढ़िया तो नहीं है, कल शोना का बर्थडे था और डेकोरेशन करते हुए मेरा हाथ बहुत बुरी तरीके से अंदर तक कट गया है। सो काफ़ी दिक्कत हुई, हम कुछ कर भी नहीं पाए मेरे हाथ की वजह से। एनी वेज, लीव दैट मैटर। नया दिन, नई शुरुआत, एक नया वीडियो। सो ईद में एक या दो दिन रह गए हैं, पता नहीं कितने दिन का चांद होगा। तो सोचा तब तक के लिए आपको एक और मेकअप का ट्यूटोरियल दिया जाए। आप नाइट पार्टी का भी हो गया और सॉफ्ट मेकअप भी हो गया, तो ये हमारी न्यूली ब्राइड बेचारी रह गई हैं। तो आज मैं जो देने वाली हूँ वो न्यूली ब्राइड के लिए ईद का मेकअप ट्यूटोरियल देने वाले हैं। और देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं, और आप भी देर ना करते हुए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो जी, एज यूजुअल हेयर स्टाइल हमने बांध लिया है। ये देखिए, पहले से ही मैंने हेयर स्टाइल रेडी कर दिया है, ठीक है? तो कर लेते हैं इसे टक, क्योंकि ये करेंगे परेशान हेयर। इसको ऐसे टक कर लेते हैं। भाई ये तो जाएंगे नहीं कान के पीछे, चलो इनको ऐसे ही रखते हैं। चलिए, एनीवेज, सो थोड़े ब्राइट ब्राइट कलर पहनती है ना ब्राइडल्स, दैट्स वाई। सो फेस हाइड्रेट कर लेते हैं फटाफट, लेट ना करते हुए। और अच्छा जी, तो आज हम जो यूज़ करने वाले हैं वो मेबलिन का कंसीलर यूज़ करने वाले नहीं हैं। जो मैं कंटूरिंग के लिए यूज़ करती हूँ स्टिक, उसी में ही ये आपका कंसीलर कंटूरिंग भी होता है, ठीक है? ये तीन का आता है, मार्स का मैंने लिया था, इसमें तीन आते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये बैक साइड में आपको मिल जाएगा वाइट कंसीलिंग के लिए और ये कंटूरिंग के लिए। तो आज हम इसी का यूज़ करेंगे, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाता है, ठीक है? तो एज यूजुअल हम अपनी लाइनिंग बनाते हैं सबसे पहले फटाफट से। नंबर हमेशा एक या दो नंबर आपको लाइट लेना है, और इसके बाद हमें जो करना है वो इसे वेट स्मजर से, ब्लेंडर से इसको फिक्स करना है, फिल करना है। तो अब जल्दी जल्दी इसे फिक्स कर लेते हैं इससे पहले कि ये सूख जाए। तो जी ये हो गया है हमारा, से मैबलिन का कवरेज ज़्यादा अच्छा था इससे। कवरेज क्या होता है, जो बिगनर होते हैं शायद उन्हें नहीं पता, मतलब जो चीज़ों को ज़्यादा हिडन कर देता है। तो हमने लाइंस क्रिएट कर ली हैं, ठीक है, आईब्रो के नीचे। अब हमें क्या करना है, एज यूजुअल लूज पाउडर लेना है। लूज पाउडर को फिक्स करने के लिए लगाएंगे ताकि क्रीज नहीं बने। हमेशा बोलती हूँ जल्दी जल्दी करेंगे, इससे पिगमेंट अच्छा आता है। पिगमेंट मतलब अगर आप जो आई शेड्स यूज़ करेंगे, पाउडरी जो यूज़ करेंगे, जो कलर है वही कलर आएगा, उसे बोलते हैं पिगमेंट। डार्क कलर, ये नहीं है येलो है तो कुछ और आ गया, रेड है तो पिंक कन्वर्ट हो गया। सो ऐसा करने से पिगमेंट जो है वो अच्छा आता है। लो जी, आइस का हमारे हो गया, इसको एक्स्ट्रा को झाड़ देंगे। तो जी आज हम बनाने वाले हैं, आइस का पूरा हो गया, आज हम बनाने वाले हैं हेलो आइस। हेलो आइस क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मरून कलर पहना है तो आज हम मरून आई मेकअप करेंगे, ठीक है? विद काइंड ऑफ, उसमें आप लोग शायद उसे स्मोकी भी कहें, लेकिन इस डिज़ाइन को हेलो आइस बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम ये देख रहे हैं, आउटर कॉर्नर पर भी, इनर कॉर्नर पर भी थोड़ा काजल लगाएंगे लाइक दिस, और आउटर पे भी थोड़ा काजल लगाएंगे, ठीक है? क्रीज के अंदर लगाना है, क्रीज के बाहर नहीं लगाना है। इस तरीके से काजल लगा लेंगे यहाँ इनर में और ये आउटर में।
अब क्या करना है? अच्छा, इसको अभी स्मज नहीं करना है, हमें इसको कलर के साथ ही स्मज करना है। तो हमें मरून कलर का हमने ड्रेस पहना है, तो हम मरून टेक्सचर देंगे। अगर डार्क मरून कलर नहीं है आपके पास, तो डू वन थिंग, आप जो ये मरून कलर है और ब्राउन कलर है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा ब्राउन कलर लेंगे और थोड़ा मरून कलर लेंगे, एक्स्ट्रा इसको झाड़ देंगे। कम कम से स्टार्ट करें वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हम इसको रखेंगे सेंटर में और सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये रहा, ये रखा सेंटर में, ये सेंटर से हमने स्टार्ट किया। ये देखें, ये अभी इसमें मरून स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो लिप लाइनर है ना, तो उसका यूज़ करेंगे हम सेंटर में। सेंटर में इसकी फिलिंग करेंगे, मैट वाला नहीं लेना, ठीक है? मैट वाला लेंगे तो स्मज नहीं होगा अच्छे से। इनर कॉर्नर में ही रखना है, अभी आउटर में नहीं जाना है। ये देखिए मरून कलर आ रहा है ना, तो मरून कलर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इन जनरल होता क्या है, मरून कलर बहुत ज़्यादा महंगी केड होता है, तो मरून नहीं है तो आप अपना मरून कलर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल ये लिप लाइनर से कर रहे हैं, इसे क्लीन कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी लग गया है, अच्छा पिगमेंट भी दे रहा है। हम क्या करेंगे, जो हमने लिप लाइनर लगाया है ना, उसको थोड़ा सा दोबारा से स्मच करेंगे ताकि उसमें क्रीज ना पड़े। ये देखिए बहुत अच्छा पिगमेंट आ गया है एकदम। तो ये मरून कलर हो गया है, मरून कलर के बाद क्या करेंगे, ये देखिए दोनों आईज पे हो गया। अब ब्लैक कलर को हल्का सा पाउडर से टच करेंगे जस्ट कॉर्नर पे, ये देखिए ये टैप करेंगे इस तरीके से, ये फ्लड ब्रश ले लेंगे इस तरह से, ये फ्लड ब्रश, ठीक है? देखिए अच्छे से देना है यहाँ ऐसे टैप टैप करके, और इस साइड में, ठीक है? इसे जस्ट हल्का सा करना है। देखिए दोबारा से जो कट है वो बन गया है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है? अब उसको क्या करना है, एक बारी उसको जो हमारा ही ब्रश था, एक बारी उसको ताकि रफली वो मिक्स हो जाए, ऊपर से ना लगे, ठीक है? जस्ट माइनर माइनर सा। ये देखिए ये हो गया, ठीक है? अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो आइस की तो सेटिंग हो गई है, अब क्या करना है, आज हमने बेस नहीं बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पहले हमें नीचे का जो था हमारा वो सारा पेंसिल वाला था, अब बेस में हमें इसको स्मच करना है। तो हम क्या करेंगे,
ये जो ब्रिक कलर है इसको हल्का सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, और इसको टैप टैप करके निकाल देंगे। और जो आपका आई शेडो है और ऊपर का पोर्शन है इसको स्मच करेंगे स्मूथली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं अपना ग्लास, ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, नीचे से ऊपर जाना है लाइक दिस। थोड़ा और टैप कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, अच्छा हुआ कम कर लिया। जस्ट ठीक है, बहुत लाइट सा करना है, डार्क नहीं करना है। तो जी ये हमारी आइस की बेस तैयार हो गई है, आइस मेकअप जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब क्या करना है, सबसे लास्ट में क्योंकि सभी समझ हो गया, अब ग्लिटर लगाने से पहले हमें एक सेम कलर का, जिस ड्रेस का आप चाहते हैं कॉम्बिनेशन, उसका हमें सेंटर में कलर लगाना होगा। तो मेरे पास ये मरून कलर है, ठीक है, डार्क मरून नहीं है। इसे फिंगर पर लेंगे, इससे जो ग्लिटर का पिगमेंट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो उसको लगाएंगे हम आइस पर यहाँ सेंटर, ये देखिए ये आप देखेंगे। ठीक है, बस सेंटर में लगाना है। ये देखिए इसे जब आप ग्लिटर लगाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत कलर आएगा। हमें हाईलाइटर लगाना है आईज कॉर्नर पर। ठीक है, ये काम आप लास्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ का बेस क्लीन करना है, और स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तो वी कैन डू वन थिंग, हम ये काम लास्ट में करेंगे क्योंकि हम लोग जस्ट इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आईब्रोज पे हम कर लेते हैं हाईलाइटिंग। आईब्रोज पे हम भूल गए, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। तो ये कॉर्नर पर लगा लेंगे। हो गया हमारे कॉर्नर पर, इसको थोड़ा सा फिंगर से सेट कर लेंगे। कभी भी ब्रश वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, इतने नंबर का ब्रश, ये ब्रश वो ब्रश, जिसे काम हो जाए वही करना। तो जी अब लगाएंगे हम आइस पे ग्लिटर। अच्छा, ग्लिटर के लिए जो मेरे पास खुद के ग्लिटर है वो नहीं है, मैं बच्चों के ग्लिटर का यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये बच्चों की किट है। तो मैं गोल्डन में, ये प्रॉपर गोल्डन नहीं, ये वाला गोल्डन यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, हल्का सा फिंगर पे लेंगे। बच्चे मेरे बहुत नॉटी हैं दोनों लड़कियाँ अभी से ही। तो जी ये शिमर है ना, जो रेड वाला पोर्शन है वहाँ पे अप्लाई करना है हल्का हल्का सा। थोड़ा सा और ले लेते हैं शिमर की। एक प्रॉब्लम होती है ना कि एक्स्ट्रा लग जाए तो छूटता नहीं है। जस्ट वहां लगाना है जहां पे मरून कलर हमने टच किया है। ठीक है, लग गया है, जी मेरी बेटी एज यूजुअल आ गई है। तो अभी अभी सो कराई है वो। एनीवेज हम करते हैं क्लीन, आंखों का हमारा डन हो चुका है, नीचे का हमें बेस। अब इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए कितना सारा फेस पे आ गया था।
ये हो गया अच्छे से क्लीन। तो जी अब बेस स्टार्ट करते हैं। तो जी क्लीन तो हो गया है, आज हम क्या करने वाले हैं, ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं रखना है, ज़्यादा मैट भी नहीं रखना है, सो दैट हम क्या करेंगे आज फिट मी और मैक का कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिट मी और मैक को मिलाते हैं, थोड़ा कवरेज देना है, ज़्यादा नहीं देना। इसको मिक्स करने से क्या होगा ना कि जो मैक है वो प्रॉपर मैट होता है और जो फिट मी हाइड्रेट वाला मैंने ले रखा है उसमें थोड़ा मॉइस्चर है। ठीक है, तो एक इससे अच्छी सी बेस तैयार होगी, इसलिए बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है, मिक्स हो गया है अच्छे से। ये देखिए अब इसे जल्दी से टैप 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 कर लेते हैं हम लोग। नेक को मत भूलिएगा। वो बोलती रहेगी गो एंड ब्रिंग योर फोन बेटा गो। मुझे इस सपने अपना घर भी देखना होता है क्योंकि मैं बच्चों को अवॉइड नहीं कर सकती। सो ठीक है, ओके यू कैन गो एंड ब्रिंग योर फोन। आप करते हैं टैप टैप जल्दी से। सुनो वॉल्यूम कम करो। तो जी जो हमारा बेस था वो तैयार हो गया, अब क्या करना है, हमें लूज पाउडर लेना है और वो हमें आइस के नीचे लगाना है। ठीक है, घबराइएगा मत, ये एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब इसको निकाल देना है। देखिए ये निकल गया है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हमने लेना है काजल, काजल को लगा लेना है। काजल लगा लिया हम लोगों ने, अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा मरून कलर है तो अब हम मरून कलर का, ये आप देखें डिफाइनर ब्रश कहलाता है, तो मरून कलर का हम लेंगे और नीचे काजल के साथ उसको स्मज करेंगे। ठीक है, ये देखिए उसे काजल भी बाहर नहीं आएगा और ये पाउडर ही है और इसका और ड्रेस का टेक्सचर भी आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बहुत आराम आराम से करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, हड़बड़ाहट नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस खोल के ही रखती हूँ मैं। ये देखिए मरून कलर आ गया मैं ड्रेस का, इससे क्या होगा काजल भी बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो जी काजल तो हमें लग गया है, अब लगाना है हमें हाइलाइटर। ठीक है, ये वाला हाइलाइटर लेंगे हम, दिस वन, इसको लगाएंगे
कॉर्नर्स पे, इससे थोड़ा अच्छा लुक आएगा। ज्यादा नहीं लगाना, माइनर माइनर से लगाना है। काजल हो गया, अब करते हैं कंटूरिंग। तो कंटूरिंग का मैं आपको एक अच्छा आइडिया देती हूँ। होता क्या है, बहुत सारे लोग जो नए नए होते हैं, आई मीन वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कलर ब्रश आप ले लीजिए और जो है उसको ऐसे नोज़ पे रखेंगे, ठीक है। नोज़ पे रख के ये स्टिक लेंगे, सेंटर में रखना है ये, उनसे लाइन एक्चुअली आती नहीं है जो नए नए होते हैं, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे और फिर इसको स्मच करेंगे, ब्लेंडर की हेल्प से उसको नीचे करेंगे। नीचे करना है, ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। इससे ना नोज जो है आपकी वो थोड़ी पतली लगती है, ठीक है। थोड़ा सा हाइलाइटर लेंगे, उसको नोज पे लगाएंगे लाइक दिस। अब उसके बाद आती है हमारी कंटूरिंग। बारी है ब्लश की। तो ब्लश में हम लोग जो लेंगे वो पिंक कलर ही लेंगे, सॉफ्ट से थोड़ा सा हॉट एंड सॉफ्ट लुक लेने के लिए, ठीक है। काफ़ी है इतना, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने हाइलाइटर लेना है, बहुत माइनर सा, तो जी हमारा ब्लश भी हो गया है, सब हो गया है। ओके, आज हम एक ब्राइडल लुक कर रहे हैं ईद के लिए। तो हम लिपस्टिक का जो कलेक्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा डार्क कलर में यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं यही कलर लगाएं, अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। एंड मेरी जब शादी हुई थी तो मैं तो जो है हमारा लिप लाइनर लग गया है। अच्छा जी, जो मेरा सारा मेकअप है ना, ये मेरा सारा इंडिया का है। यहाँ से सिर्फ मैंने आके एक आई शेडो किट ली है हुडा वाली, और कुछ नहीं लिया है, सारा अमेजोन मीशो यहाँ वहाँ से है। और हाँ, एक मैं मैक का फाउंडेशन कभी ऑनलाइन नहीं लेती, क्योंकि
मुझे वो नहीं होता, इसलिए मैं उसके आउटलेट पर जाकर ही ओरिजिनल लेती हूँ। ठीक है, तो आउटलाइन कर लिए, ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, बहुत खूबसूरत कलर है, आप देखिएगा। ठीक है, तो जी हम हो गए हैं पूरे रेडी। ठीक है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, मेकअप में आपको हेल्प करेगा इसी पर। तो दुल्हन लोग हो जाइए रेडी, और मुझे दीजिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त। लास्ट टाइम वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कुछ पूछना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो देर ना करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, अल्लाह हाफिज़।